हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जिमनी को लेके ऑफ रोडिंग के लिए और लद्दाख से आए हुए टाइम दो ही दिन हुआ है जिमनी को और कल का व्लॉग आपने देख लिया होगा कि कैसे गाड़ी के अंदर पानी भर गया था। तो एक चीज आपको और दिखा देता हूँ मैं, कारपेट्स जब निकल जाते हैं तो फिर जितने एक्सपोज बिट्स होते हैं सब कुछ दिखने लग जाता है गाड़ी का। और कितने का खर्चा बता रहे थे वो? साफ कह रहे थे ना वो सुखा के देंगे 2000 रुपए। 2000 रुपए का बता रहे थे पूरा खर्चा ऑल इन ऑल जो भी होगा गाड़ी को साफ करने का, कारपेट सुखाने का, और उसको सूखने में 2 दिन लगेंगे मैंने जैसे आपको बताया था। ऑल इन ऑल गाड़ियाँ काफी सारी हैं इस बारी, पिछली बारी कम थी। आगे दिखा देना गाड़ियाँ। ट्रैक भी डिफरेंट है, सॉरी काफी डिफरेंट है पहले से। यू कैन सी थार, रूबिकॉन। थार तो एक है, जिप्सी एक है, ये बीच में लगी फोर लो। फोर लो में डाल रहे, ट्रैक्शन ऑफ हो चुका गाड़ी का। दूसरी बारी में कैसा परफॉर्म करती है, होपफुली कर ही लेगी क्योंकि इतना डिफिकल्ट तो लग नहीं रहे। और हाँ, गाड़ी इससे ज्यादा टफ टेरेन है तो हम पिछली बारी लेके गए थे, तो अब देखते हैं भाई इस बारी। तो भाई इस बार मोमेंटम बना के आ रही है गाड़ी और बेटर है इस बारी। और फंस गई, ऑलमोस्ट निकल गए भाई, लेकिन एकदम हेड में आके निकली। लेकिन क्या बढ़िया निकली है गाड़ी भाई, वाह। जिमनी क्यों नहीं लाए? जिमनी आज पानी ज्यादा है। ये बहुत सही था। कौन से दो तीन ऑब्स्टिकल करते हैं, देखते हैं। नीचे जा रहे ऊपर जा रहे हैं, चलते हैं फिर। चलो ठीक है भाई, साथ साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा कि थार और जिमनी में कितना फर्क है ऑफ रोडिंग एबिलिटीज की बात करें तो। यहीं से गई ना थार, ये देखो ये हम दूसरे तरीके से कर रहे ताकि लेफ्ट में गाड़ी पूरी उठे। ठीक है ठीक, आर्टिकुलेशन टेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं यहाँ भी आर्टिकुलेशन टेस्ट हो जाएगा। किस तरफ से करना है, कौन से वाला ट्रैक पे जाना है देखते हैं, अभी चलते हैं। बताओ मैं बाहर से बनाऊंगा ना फिर। ये जो था ट्राई करी ना पुरानी वाली, इस पे जाते हैं। ठीक है ठीक है, तो इंक्लाइन ही है। कितने डिग्रीज हो गए? डिग्री का तो आइडिया नहीं है बट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो बाहर से बनाएगा? हाँ मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर से बनाऊंगा। और चाचू अंदर रहने वाले हैं, वो करने वाले हैं ताकि आपको सब दिख जाए बढ़िया से। थार तो चढ़ गई फर्स्ट, एक गो में पुरानी वाली। अब अपनी जिमनी की बात बारी है, देखते हैं। ये तो इजीली आ गई। देख मैंने रिवर्स पे कैमरे में देखा और कहां ब्रेक मारी, आके देख। देख पीछे। चलो। पीछे देख नीचे। ओ भाई साहब। ये बहुत स्टीप ड्रॉप अटेम्प्ट करने वाले हैं अब हम। यहां से ये लेफ्ट में है ना वो? नहीं नहीं आपको यहां से टायर दिख रहे हैं। इस वाले ट्रैक से आपका राइट ट्रैक टायर यहां पे रहेगा, इसी लाइन को फॉलो करते हो। ठीक है ले आवा सु गाड़ी यहां तक। असल में ये रहा ना स्टीप के लिए तो है भी नहीं ना। और अब इसको डी इसमें मैनुअल है डी, वो नहीं है। नहीं ये ट्रिप्ट्रॉनिक नहीं है ना इसमें। प्लस माइनस होता है? नहीं होता। अब यहां पे लाइन सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हां हां यहां पे स्टीयरिंग है वहीं पे रखो। अभी पहले एक बार वो टायर नीचे जाएगा, साथ में ये चला जाएगा, बस हो गया। अब सीधा कर लो, अब सीधा कर लो। थार आ रही है सेम ड्रॉप से जहाँ से हमने निकाली थी गाड़ी, हमारी तो बहुत इजीली हुई थी थार, देखते हैं कैसा करती है। ये भी काफी कन्विंसिंग है, आराम से आ गई नीचे। अभी हम करेंगे सामने वाले दो तीन, यहाँ से दिखा दे। ठीक है ठीक है, सामने वाले जो है ना इंक्लाइन दोनों तीनों करेंगे आप। चलो ठीक है, एक बार अंदर चलते हैं।
भाई। तो जिप्सी जा रही है भाई, जहाँ पे जिमनी फंस रही थी। जिप्सी तो हर जगह से निकल जाती है भाई। देखो इधर अब सेम ऑब्स्टिकल पे थार, जहाँ पे जिमनी 3 बार फंस गई हमारी। अब देखते हैं थार चढ़ती है कि नहीं। जिमनी इस तरफ पे भी बीच हो रही है लग रहा है। यही है भाई, लॉन्ग व्हील बेस के चक्कर में ना गाड़ी बीच जाती है और उस चक्कर में फंस जाती है। अब थार देखते हैं। सेम ऑब्स्टिकल पे भाई हाइलक्स देखते हैं। हाइलक्स भाई ऑलमोस्ट जाते जाते रह रही है, एकदम एंड में रुक रही है। आप इस तरफ निकाल लो कह रहे हैं। और भाई हाइलक्स चढ़ गई। अब भाई देखते हैं थार चढ़ दी गई नहीं, क्योंकि जिमनी फंस गई वहां पे। थार 2 बार फंस चुकी है, जिमनी 3 बार फंसी थी। जिमनी उसके बाद अटेम्प्ट नहीं लिया। अब देखते हैं कि ये चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। थार वहीं फंस रही है भाई, जहाँ जिमनी से हल्का पहले ही फंस रही है। जिमनी थोड़ी सी आर्टिकुलेशन में थोड़ी ऊपर जा पा रही थी रेयर के जब व्हील्स पे पावर आ रही थी, लेकिन थार फंस रही है। भैया कौन सा मोड लगा रहे हो? फोर लो। तो 4 लो में डाल के देख रहे हैं भाई। अभी 4 हाई में थी गाड़ी और 4 लो में पता चलेगा। चढ़ गई भाई, क्या बात है। अब डैडी ऑफ रोडिंग जिप्सी की बारी है। जिप्सी तो आराम से भाई हर जगह से निकल जाती है, लिटरली ट्रैक्स बनाती है गाड़ी। अब देखते हैं कैसा करती है यहाँ पे। ये तो भाई क्या मक्खन की तरह चढ़ती है। लिटरली एक अटेम्प्ट लगते हैं जिप्सी को वो सब कुछ करने के लिए जो बाकी गाड़ियाँ 5-5 अटेम्प्ट में करती है। रूबिकॉन 6 अटेम्प्ट ले लेती है, थार ले लेती है 4 अटेम्प्ट, जिमनी ले लेती है 4-5 अटेम्प्ट, हाइलक्स ले लेती है 3-4 अटेम्प्ट, लेकिन जिप्सी तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडर है। वो देखो थार अभी तो नहीं चढ़ पा रही भाई, लगातार काफी देर हो चुकी है उसको अटेम्प्ट करते हुए। और एक बार जिमनी लेके जाएंगे वहां पे भैया, एक सामने वाला ऑब्स्टेकल कर आ रहा हूँ। यही थार देखो भाई, वो वाली नहीं कर पाई, ये वाली थार अब देखते हैं कर पाती कि नहीं। इनमें से एक डीजल एक पेट्रोल है भाई, सेम कलर है तो दूर से देखना मुश्किल हो रहा है। वो शायद एम स्टैलियन है। नहीं नहीं वहीं पे बीच हो रही है। देखते हैं भाई जिमनी कर पाती है कि नहीं, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट एक के बाद एक वाला कंपैरिजन हो जाएगा। वहां पे भी किया था गाइस, देखो थार तो नहीं कर पा रही, इसके 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। और पीछे वाले ट्रैक पे भी हमने जब जिमनी और थार एक साथ सेम ट्रैक पे करी थी, तब जिमनी थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर गई थी, एक्स्ट्रा 2-3 फीट, लेकिन कम्प्लीट तो किसी ने नहीं किया था। पर इस बार ही देखते हैं कि जिमनी ये कर पाती है कि नहीं, क्योंकि थार के 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं लेफ्ट, और एक और अटेम्प्ट ले रही है शायद। वो दोनों थार ने ले ली इनफैक्ट। एम स्टैलियन है वाली पेट्रोल, आप थोड़ी सी लेफ्ट में ले लो फिर मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। क्या कहते हैं कर तो लेनी चाहिए, हल्की गाड़ी है। बाकी उन्होंने बार बार करके ट्रैक थोड़ा खराब तो कर ही दिया है। बीच हो रही है ना, करेंगे एक और अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट देखते हैं भाई। होपफुली कर ले यार, ये गाड़ी इज्जत रख लेगी, ऐसा वेस्ट नहीं होगा। बीच हो रही है ना, चलो भाई चली तो जाएगी ऐसा लग रहा है। इस बारी थोड़ी और आगे तक गई है। उन थार ने टोटल कुल मिला के दोनों थार ने 6 अटेम्प्ट लिए हैं, हमारा दूसरा हुआ है, हमारे पास 4 और बचे हैं मतलब। चलो भाई लास्ट अटेम्प्ट। पूरी ऊपर आई गई है भाई, पर यहाँ तक भी आ बड़ी मुश्किल है ना। आगे क्या कुछ भी नहीं, क्लियर है भाई। ये देखो धक्का मारना पड़ेगा, बीच हो गई गाड़ी, एक धक्का लगा दो। आ गई भाई गाड़ी, ऑलमोस्ट ऊपर आ गई है।
वही ज़्यादा वो सिचुएशन है, गाड़ी यहाँ फंसी है, रिवर्स में ही थी एक सेकंड को, नहीं जा रही भाई। देखो मारू यहाँ ट्रैक्शन है ही नहीं, पूरा फ्री है टायर राइट साइड का, इसका पता नहीं मेरे को, लेकिन वो पूरा फ्री है। सही ऐसी है कि अब सारे टायर हवा में आ गए। चलो भाई थार से तो आगे निकल गई। अरे दूसरी तरफ से पिन डाल मुट्टू को, बस गई गई। रोको 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 भाई, ये देखो यहाँ फंसी थी, ये बहुत गलत फंसी थी, यहाँ तक आई। ये देखो भाई, ये था टायर जहाँ फ्री हुआ था, एक टायर ये फ्री हो गया था, एक टायर यहाँ पे फ्री हो गया था, और तीसरा तो यहाँ हवा में ही था। एक ही पर ट्रैक्शन थी, वो भी इतनी नहीं थी कि भाई गाड़ी को खींच ले, और एकदम एंड में ये लास्ट वाला जो निशान है यही था अपना वाला, और दोनों थार नहीं कर पाई थी, दोनों थार यहीं पर फंस गई थी, इसके ऊपर ही नहीं आई थी। कह रहे हैं फटाफट आ जा भाग के भाई, ये देखो इतना ज़्यादा स्लिपरी है, ये चार पहियों को ट्रैक्शन नहीं मिल रही, यहाँ दो पैरों को ट्रैक्शन मिलेगी। देखो आइलक्स फंस गई है अभी एक बारी, अभी दूसरा अटेम्प्ट चल रहा है इसका, देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती, फुल थ्रॉटल दे के निकालेंगे इस बारी। बीच हो गई भाई, बीच हो गई, बीच हो गई, अब सेम लाइन पे जा निकल जाएगी, वो टूट गया। अब गाड़ी आई हुई कुछ तो कैसे देखे आगे क्या है, अबे तेरी लंबी है तो सेफ गाड़ी जा, चल निकाल जल्दी जा, रोक लियो ना पंजे पे जा। गाइस अब देखते हैं हाइलक्स में गलती कि नहीं, तीसरा अटेम्प्ट है इसका भाई, फिर बीच हो गई है गाड़ी। ओए हटा, पापा निकलेंगे, पापा हट जा, मार किल्ला। नहीं भाई फिर फंस गई, चौथी बारी फंस गई गाड़ी, वो भी व्हील बेस की, व्हील बेस के चक्कर में फंस रही, बहुत ज्यादा लॉन्ग व्हील बेस है गाड़ी का, न्यूट्रल में डालो ना वो टू टू करता रहेगा। भाई वही बीच हो गई जहाँ पे हाइलक्स हो रही थी, अभी ये तो भाई सेल्फ भी नहीं निकलेगी, फिर टो करनी पड़ेगी, एक बार ट्राई कर रहे तू भी, तेरे को भी उतरना पड़ेगा। चलो भाई यही है भाई, इस गाड़ी के साथ धक्का मारना पड़ता है बार बार, यही बीटी है। अरे यार खुली नहीं रहा दरवाजा, विकास मुश्किल है मेरे भाई, ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। विकास भैया कोई फायदा नहीं है, बीच होएगी होएगी, तो भाई विकास भैया कह रहे हैं कि ये गाड़ी यहाँ अटक गई तो उनका नाम बदल देना, और इस बारी उसी जोश के साथ अटेम्प्ट करने वाले हैं एक और बारी। दिखा खा भाई, ड्राइव और टू पे आ रहा हूँ, लो में ना, लो में किसमें, हाई पे आओ, पावर मेरी या तो लो, सेकंड में थर्ड में, लो में तो स्पीड आती नहीं, कैसे आएगी सेकंड से ऊपर है नहीं लोगों का ऑप्शन, आप एक काम करो हाई फर्स्ट में आओ, ऐसा है सुनो मेरी बात, आप आओ हाई फर्स्ट में, तेरे पैसे मत छोड़ बिना, धक्का मारो पीछे अटक गई, गाइस अभी विकास भी आ गए, विकास भी कह रहे हो करके दिखाएंगे अगली बार, उधर ही नहीं अब समझ में है ना, क्या किस दिन आ रही है, मांग रही है, मोमेंटम से जाएगी है। ओ भाई निकल गए भाई, ओ भाई साहब क्या चलाते हो भैया यार, गाड़ी चलानी पड़ती भाई क्या बढ़िया चलाते हैं यार आप, बस गाइस भैया ने बोला था कि नहीं निकली तो नाम बदल देना, निकाल दी उन्होंने। हाय टू गाइस, सेम जगह से अभी हाइलक्स, कैसे निकाली भैया कितनी उछाल दी, अगर भाई ने चलाई तो भाई पीछे नहीं हटेगा, ये भाई को पता है, क्या बात है, पांच क्या गाड़ी टूट जाए भाई, पूरा पंजा दे दिया था यार, पूरी गाड़ी ऐसे लिटरली ऐसे थी गाड़ी, भाई क्या निकाली है भाई, डरती थोड़ी कम भी नहीं कराती, बट भाई भाई ने चलाई तो भाई चला रही है भैया, वीडियो दिखाओ यार एक बारी,
छोड़ नहीं सकते भाई, छोड़ नहीं सकते। ओ भाई क्या वीडियो बनी है सुधार। ओ बड़ा वीडियो ब्रो, बड़ा वीडियो भाई। हाई टू पे निकाली थी है ना भाई, अगर विकास जिम निकाल दिखाओ, जिम निकाल दिखाओ, ये निकाल देता ना तुमने छोड़ता तो। फ्यू मिनट्स लेटर इस तरफ लेफ्ट स्ट्रेट किले पे आइयो। स्विंग हो जाओ भाई, वो देखो। हाँ आप देखो भाई, थार में क्या फर्क आएगा, उतनी पलटती हुई नजर नहीं आएगी, वेट है ना गाड़ी में। अच्छा सेम लाइन दे, निकाल दो सर, निकाल दो। हाँ रिलेटिवली थोड़ा कम झूली है ये, मतलब जहाँ पलट रही हो ब्रेक दबा दो। हाँ गाइज अभी हाइलक्स को इस वाले उस पे चढ़ाने वाले हैं जिसपे पहले आई, जिससे ड्रॉप लिया था, सबसे पहले जिमनी ने लिया था, ऊपर से बनाऊं। चलो भाई अब यहाँ से हमने जिमनी उतारी थी और यहाँ से हाइलक्स चढ़ने वाली है, पूरी उछल गई भाई लेकिन चढ़ नहीं भाई। हाँ मैं हट जाऊंगा, ओ भाई ऑलमोस्ट आ गई यार ये गाड़ी, ऑलमोस्ट आ गई। गाइस एक और अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट है भाई हाइलक्स का ना, ORVM टूट चुका है लग लग के। ओए यार तो सबसे क्लोजेस्ट था ये तो, ऑलमोस्ट आ गई थी भाई गाड़ी, ऑलमोस्ट आ गई थी। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वहाँ पे मैं एंड नहीं कर पाया, मेरे फ़ोन में बैटरी खत्म हो गई थी, पर गाड़ी की हालत देखो यार कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, पूरी जिमनी है, पीछे सारी गाड़ियाँ हमारी लाइन से लगी हुई हैं, ये देखो यार जिप्सियाँ लगी हुई है, थारियाँ लगी हुई है, दूसरी जिमनी लगी हुई है, दूसरी जिमनी खैर बाद में आई है, वो रैंगलर वाले भैया के उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, मतलब वो गाड़ी रखा है दूसरी ले आए, तो बस अभी खाने के लिए जा रहे हैं और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको यार ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चीज़ ट्राई कर रहा हूँ आजकल मैं, कि ऑफ रोडिंग को भी थोड़ा सा पार्ट बनाऊँ चैनल के, बाकी वीडियोज़ के अलावा, ब्लॉगिंग के अलावा, रेगुलर ब्लॉगिंग के अलावा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक जरूर लाइक जरूर इनके थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।